भाई ऑल पे हमारी लोबी में जोनाथन आ गया 3 नंबर पे भाई। आजो आजो सब आजो पुचंकी जोनाथन को मारो भाई सब। भाई जोनाथन आ गया रियल में भाई मास्क पर। ये शानदार गेम है ये। तो और बताओ भाई लोग कैसे हो। मैं गुरु आ गया हूँ एक नए गेम प्ले के साथ। और भाई आज के वीडियो की स्टार्टिंग देखने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि वीडियो कितनी खतरनाक होने वाली है आज वाली। और यहाँ गाइस आज 2 गेम प्ले आपको देखने को मिलेगा। एक मैं जो कि स्क्वाड के साथ में खेल रहा हूँ अपनी, एंड सेकेंड गेम प्ले आप लोगों को रैंडम के साथ देखने को मिलेगा, जिसमें गाइस यार रिएक्शन भरपूर होने वाला है। और आज भाई जो मेरे को रैंडम मिले थे ना, वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि भाई मैं जोनाथन हूँ या फिर शानदार गेमर हूँ, क्योंकि भाई शानदार गेमर नाम चेंज करके प्रैंक करता रहता है यार रैंडम लोगों के साथ। तो उनको मैं शानदार गेमर भी लग रहा था और रियल जोनाथन भी लग रहा था। तो कुल मिला के ये वाला गेम प्ले बहुत अमेजिंग है, आप पूरा वीडियो देखना। फिलहाल यहाँ पे ये जो अभी मैच देख रहे हो ये मेरी स्क्वाड के साथ में है, बाद में जो आप गेम प्ले देखोगे वो रैंडम के साथ होगा। खैर यहाँ पे गन वगैरह मिल गई थी, बस बारी थी वेस्ट वगैरह ढूंढने की। और वेस्ट लेने के लिए मैं इस वाले घर पे जैसे ही आता हूँ तो एक बंदा सामने से पुश कर रहा था। तो भाई इसके बाद जो आप लोग रैंडम का मैच देखोगे ना, जिसमें मैंने यार जोनाथन का नाम रखकर रैंडम के मजे लिए हैं, ये वाला आइडिया आप लोग को पता है मेरे को कहाँ से आया था? ये आइडिया मेरे को ना यार शानदार गेमर से ही आया था। एक बार हुआ ये था कि यार मैं शानदार गेमर के मैच में आ गया था रैंडमली, ठीक है, तो उस पर यार इन्होंने भी जोनाथन का नाम रखकर मेरे पूरे टीम के साथ में प्रैंक किया था। और वो वाली वीडियो आज शानदार गेमर के चैनल पर भी है, तो अगर आप चाहो तो भाई उसके ऊपर ना मैं एक रिएक्शन वीडियो ला सकता हूँ कि मेरा रिएक्शन क्या था जब मैं शानदार गेमर की वीडियो पे आया था। तो अगर आप लोगों को चाहिए वाली वीडियो तो उसके ऊपर मैं लेकर आऊँगा। और शानदार गेमर ने लिटरली उस वाले मैच में बहुत तगड़ा खेला था, बहुत गंदा मारा था बंदों को। फिलहाल ये बंदा भाई ओपन में मेरे को दिखता है लूटता हुआ। अब भाई यहाँ पे ना ये जो 2 बंदे थे दोनों को मैंने नॉक किया। नॉक करते ही मैं डायरेक्ट फिनिश डालता हूँ कि भाई मेरे को लेफ्ट की तरफ से सप्रेस्ड फायर पड़ता है। और यहाँ ना भाई इस बंदे ने बहुत ज़्यादा लिट कर दिया था मेरे को। बाकी ये जो लौंडा यार सप्रेस्ड फायर कर रहा है, ये बंदा बहुत परेशान कर रखा है लिटरली। तो इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा ध्यान ना देते हुए भाई आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये जो बंदा है ना भाई कैंपर है, और कैंपरों के चक्कर में भाई ना पड़ो तो वो ज़्यादा बेटर है। आगे वाले बंदों को पहले मारते हैं और भाई इसको तो बाद में भी देख लेंगे। अब यहाँ भाई ये पेटी में जैसे ही लूटने आता हूँ तो सामने वाले घरों से फायर आ रहा है, शायद से कोई टीम लड़ रही है, तो उनके ऊपर चलते हैं, उनसे फाइट लेते हैं। अब यहाँ पे मैं जैसे ही इसको ख़त्म करता हूँ वैसे ही इसका एक टीममेट भी है इधर की ओर, जो कि भाई मौली वगैरह डाल रहा था शायद, इसलिए मैं ऊपर की ओर चढ़ जाता हूँ इस बक्से के ऊपर। और यहाँ सबसे पहले बैंडेज वगैरह लगाता हूँ। बाकी भाई अब बारी इसके टीममेट की, जो कि ऊपर की ओर बैठ के कैम कर रहा है, जिसके लिए मैं यहाँ पर मौली डाल देता हूँ। और ये मौली यार गलत जगह चले जाती है, इस मौली से इसका कुछ नहीं होने वाला है। और ये बंदा बैठा हुआ है सीढ़ियों पर, और यहाँ पर मेरा टीममेट आता है और इसका किल तो मेरा टीममेट लेके जाएगा, बट इसके ऊपर एक और बंदा है जो कि भाई बालकनी में आके बैठ जाता है। अब यहाँ पे एक बंदा मेरे टीममेट ने नॉक किया, बाकी दूसरा बंदा बालकनी में।
अभी जो बालकनी वाला बंदा था भाई सामने वाले घर पे भाग जाता है यहाँ से छलांग मार कर, लेकिन इसकी जो मौत है वो मेरे हाथों ही लिखी है। आखिर ये बंदा यहीं पे आके ही मरने वाला है हमारे हाथों। भाई यहाँ पे तुम्हारा भाई बार बार बचा, मैं बिना रिलोड किए हुए गन को घुस रहा था इसके ऊपर, लेकिन यार बच गया बार बार। और यहाँ पे मुझे एक बात बताना यार, क्या आपके साथ ये वाली प्रॉब्लम हो रही है क्या सर्वर रिकनेक्टिंग वाली? क्योंकि ये जो है ना मेरे को यार करीबन 2 से 3 दिन से यार प्रॉब्लम हो रही है, एंड यहाँ पे मेरे हर एक मैच में हो रही है। बाकी आप जो रैंडम का मैच देखोगे ना आगे चल के, उसमें तो भाई एक जगह पे मेरा सर्वर रिकनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से भाई मैं मरते मरते बचा। वहां से उन बंदों को मार के लूटपाट करके मैं इस वाली जगह पे आता हूँ, और जैसे यहाँ आता हूँ ना तो सामने वाले घर से मेरे को फुट साउंड आता है इधर, और इसके लिए मैं नेट डाल देता हूँ। और ये नेट से तो कुछ होता नहीं है, डायरेक्ट अभी पुश करते हैं। अब भाई यहाँ पे नंबर 4 जो है ना बहुत देर से हेल्प कर जा रहा, तो उसकी तरफ मैं आ जाता हूँ अभी। और भाई वो तो चलो मर चुका, रिकॉल भी हो गया, लेकिन अब देखना मेरे साथ क्या होगा। शिट यार, ये जो सप्रेसर वाला है ना भाई, स्टार्टिंग से परेशान कर रखा है बंदे ने, सही बताऊं तो। अब इसका नाम याद रखना, इसको यहीं पे उतर के मारने वाला हूं। फिलहाल यहां पे मैं फिनिश हो जाता हूं, सामने घर वाला मेरे को फिनिश करता है। भाई रिकॉल होते ही मैं जैसे आता हूं ना यहां पे, बाकी पहुंचिंग का मामला पूरा क्लियर हो जाता है, मेरे टीममेट निपटा देते हैं। बाकी वो सप्रेसर वाला ही बचा था जो कि भाई यहां पे ये 3 स्टोरी के ऊपर, इसको भरते हैं अभी। क्या गाइस, सच बता रहा हूँ, अगर ये बंदा फिनिश ना होकर नॉक होता ना, तो इसको उठा के मैं बहुत ट्रोल करता कसम से यार, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था इस सप्रेसर वाले बंदे ने। फिलहाल यहाँ पे मेरे टीममेट ने कॉल दिया कि यार 2 बंदे अभी अभी चर्च के ऊपर गाड़ी लेकर गए हुए हैं, और भाई वहाँ पे चलते हैं डायरेक्ट। और वहाँ ना चर्च के ऊपर जो मेरा टीममेट कांड करने वाला है ना, उसके लिए तो वो गाली खाने लायक है। अब देखना क्या होता है। अब यहाँ अपन जैसे ही पहुंचते हैं ना चर्च के ऊपर, ये गाड़ी लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे। एक बंदा गाड़ी में बैठ गया था, एक बंदा बैठने जा रहा था, जिसको मैं नॉक करता हूँ, और उतने में ही मेरे टीममेट का नेट मेरे ऊपर आ जाता है। यहाँ पे बताओ यार कि नेट डालने का मतलब ही क्या था यार, जब मैं पुश कर रहा हूँ तो। फिलहाल जो भी हो, अब जो बंदा गाड़ी लेकर भागा है वो ज़्यादा देर तक भाग नहीं पाएगा, बीच रास्ते में उसका फ्यूल खत्म होता है गाड़ी का, वो गाड़ी चेंज करता है, और गाड़ी चेंज करके वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाता है वो। और भाई ये बंदा भी ख़त्म, और इसी के साथ हमारे 10 किल भी हो चुके हैं। और इसी बात पे आप लोग यार हमारी इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब भी कर दो ना। उस बंदे को ख़त्म करते ही मैं इस वाली जगह पे आता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आता हूँ ना, तो भाई ब्रिज पे बहुत सारे बंदे लड़ मर रहे थे, और भाई ब्रिज के उस पार भी बंदे थे, ब्रिज के इस पार भी बंदे थे, ब्रिज के नीचे भी बंदे थे, और यहाँ पे भाई स्मोक हो रखा था। अब यहाँ पे ना इस वाले बंदे को देखना जिसको मैं अभी मारने वाला हूँ। भाई के कैंपिंग लेवल की दाद देनी पड़ेगी। फिलहाल यहाँ पे स्मोक वाले बंदे की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे स्मोक का रखा था। और भाई मैं जैसे ही यहाँ पे स्मोक वाले के बंदे के पास आता हूँ, तो मेरे को भाई पानी से आवाज आती है कि भाई पानी में एक बंदा तैर रहा है। अब यहाँ भाई ब्रिज के उस पर जो बंदा है ना, वो मेरे टीममेट को नॉक कर देता है। बाकी मैं उसको बचाने के लिए जा ही रहा होता हूँ कि वो पूरा फिनिश ही हो जाता है, और इतने में ही भाई नीचे जो पानी में बंदा था वो उंगली करता है। अब भाई इस बंदे को इजीली फिनिश कर दिया, और भाई अभी बारी है उस बंदे की जिसने मेरे टीममेट को फिनिश किया है सामने जो ब्रिज के उस पार है।
बाकी उससे पहले लूट वगैरह ले लें, क्योंकि यहाँ पे एमओ वगैरह की थोड़ी सी कमी है। फिर उसके बाद बीच के जो उस पार बंदा है उसको मारते हैं। हाँ यहीं से चढ़, क्योंकि पीछे भी बंदा है तेरे पीछे। हाँ ऊपर रीच पे देख, और पीछे भी है, पीछे भी है। अब इस बंदे को बड़ी आसानी से मैं नॉक कर देता हूँ। बाकी ये जो बंदा है अभी घुटनों के बल यार ब्रिज के इस पार आता है, शायद रिवाइव लेने आ रहा था अपने टीममेट से, और इसका बंदा आगे की ओर है। अब इसको जैसे ही मैं फिनिश करता हूँ उसका टीममेट भाई सामने से फायर करता है, और अभी देखना इसको कैसे मारने वाला हूँ। ये बंदा अभी मेरे क्लोज आने वाला है, और ये जैसे ही क्लोज आता है सबसे पहले मौली कुक करता हूँ और यहाँ मौली डाल देता हूँ, और उसके बाद मौली जाते ही डायरेक्ट एक नेट भी कुक करता हूँ, और भाई नेट भी डाल देता हूँ उसी जगह पे। नेट से कुछ नहीं होता है, अभी बारी है पुश करने की, पुश करते हैं। और लो भाई साहब, इसी के साथ ही ये जो ब्रिज का मामला है पूरा क्लियर होता हुआ, और यहाँ से थोड़ी लूट लेते हैं, फिर जोन के अंदर एंटर मारते हैं। और जोन के अंदर जैसे ही मैं आता हूँ भाई, यहाँ पे बच रहे थे सिर्फ चार बंदे, जिनमें से एक बंदा यहाँ पे मेरे को सामने की ओर दिखता है, और इसके लिए मैं थोड़ा नेट वगैरह डालता हूँ इधर, लेकिन भाई और ख़त्म भाई। ये बड़े आराम से भाई, ये भी कोई लेटने की जगह होती है। अब बच रहे हैं सिर्फ दो बंदे, और मुझे लगा कि भाई ये एक ही टीम के होंगे, बट ये अलग अलग हैं। और यहाँ भाई मैं लेट कर यार हेल्थ लगा ही रहा होता हूँ कि भाई M24 से ये बंदा मेरे को सामने वाला शॉट देता है, जिससे भाई यहाँ पे मैं बच जाता हूँ बार बार। अब यहाँ पे सबसे पहले हेल्थ वगैरह लगा कर मैं बैक चले आता हूँ। बैक जैसे ही आता हूँ तो भाई मैं इसको जोन के अंदर एंटर होने का थोड़ा वेट करता हूँ, और एंटर हो भी जाता है। और इस बंदे को देखना, स्मोक करा हुआ सामने, और ये वाला बंदा अभी मार जाएगा दूसरे बंदे से। और अभी भाई दूसरे बंदे की लोकेशन मेरे को रिवील हो गई थी, और सीधा मैं इसके ऊपर आगे बढ़ता हूँ, और इस बंदे को ना नेट से फोड़ने वाला हूँ, लास्ट वाले को। पता नहीं लेटा रहेगा कहीं पे, देख कहीं बैठा गया, मेरे को ग्लिच से अभी भी देख रहा है उधर। और लो भाई ये चिकन डिनर आपके नाम। और बाकी अभी रैंडम वाला गेम प्ले देखो, बहुत ज़्यादा मजा आएगा आप लोगों को। और बाकी रैंडम वाले गेम प्ले में मैं ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं करूँगा। जोनाथन बोल, अबे मैं कह रहा था साले जी रियल जोनाथन है क्या? जे तीन नंबर बोल, पता नहीं भाई साले लोगों को स्कीमें बता दे साले, ऑल पे साले। अब भाई चल कह दे ऑल पे क्या नहीं करते कि मैं भाई ऑल पे हमारी लॉबी में जोनाथन आ गया तीन नंबर पे भाई। आजो सब आजो, पुचंकी जोनाथन को मारो भाई, सब जोनाथन की साइड में हूँ, और मेरा पंजाबी एक दोस्त है, गांठ फाड़ देंगे तीनों। आओ आजो ताले बोल, ठीक है फाड़ तो देंगे, बस गंडंगती मिले। अगर जी होता जोनाथन होता माइक खोलता, ये माइक खोल के खेलते, मेरे को पता है। अगर रियल जोनाथन होगा तो माइक खोलेगा भाई। हाँ तो सुनाएगा अपनी वॉइस। शायद तो स्ट्रीम कर रहा होगा लोंडा, है ना? हाँ बड़ा तेज हो रहा है लोंडा आजकल का। क्या बोला तूने? एक छूटेगा इसके पास? पता नहीं, मैंने डाउनलोड नहीं किया रिसोर्स, डिलीट कर दी थी मेरे घर वाले ने। मैंने भी डाउनलोड नहीं किया। बंदे हैं? मिल जा। बंदे मेरे को दम देखिए। जोनाथन मेरे को खेलना नहीं आता, इधर आ जा भाई। भाई मेरे को भी नहीं आता, हमको बचा देना। जोनाथन भाई आ जा यार। बिग फैन सर, बिग फैन। बिग फैन, हाँ बिग फैन भाई, बिग फैन। भाई। देखें स्किन, देखें हेड मारा। भाई लोंडा नॉक कर दिया जोनाथन। अब दुरते ही भाई मेरे को डीपी और इस कारण मिली जिसकी मेरे पास स्किन ही नहीं है, बाकी सारे गन की स्किन मेरे पास है। स्किन ही निकली नहीं है भाई। जोनाथन बंदे
हो रे भाई देख, जोनाथन से कम है क्या? मतलब बैग पैक मिल जाएगा उस दिन। तू किधर है? देखा भाई जोनाथन से मेरे को ज्यादा खेलना आता है। क्या बोला तूने? क्या बोल गया मैं? जोनाथन जोनाथन साले कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? जोनाथन से भाई जो क्या बोल गया तू? जोनाथन की कच्ची उतार के मारूंगा। जोनाथन नाम भी दे जान। कौन है वे ये जोनाथन? साले ड्रोन का स्टार है भोसड़ी। भाई 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 रियल लग रहा है मेरे को ये भाई भाई कल कुछ स्किन चमका दी भाई रियल है क्या भाई? साले स्कारल की नहीं चमकाई, डीपी की नहीं चमकाई इसने भाई। साले बाढ़ में गई स्किन्स नहीं दिख रही, स्किन्स नहीं दिख रही, नाम नाम दिख रहा है। वो तो मेरे को भी दिखेगा, नाम ही दिखेगा, डाउनलोड नहीं किया हमने भाई। अगर रियल हो तो एक बार खोल लो माइक बस भाई। जोनाथन भाई बिकन भाई बिकन चुपा मार भाई। इस बिल्डिंग में बंदा मेरी वाली में, जल्दी आ सकते बचाने मेरे को आज। आ रहा हूं। अब वहां सामने वाले घर पे बंदा था जिसपे मैंने मौली कर दी थी, लेकिन उतने में ही मेरे टीममेट का कॉल आता है मेरे पास बंदा है तो उसको बचाने चलते हैं अपन। इधर है बेलो बड़े। अबे मार मार इधर है। अबे हाथ लगा, हाथ लगा दे, हाथ लगा दे, हाथ लगा दे। अबे हाथ लगा दे मेरे को, आग लगा दे, आग लगा दी, आग लगा दी। चल तू आगे आगे साला, बंदा कंसंट्रेट हो मेरा। मैं मार तो देता हूं उसको, बंदा दिखाई नहीं मेरे को। मैं क्या, मैं मार तो देता ना घर के अंदर पूरा। ऑसम। अब अपने टीममेट को जैसे ही रिवाइव करता हूं तो सामने वाले घर पे कुछ बंदे आ गए थे। बंदा है क्या? अबे मारो, पीछे आ गया, पीछे आ गया भाई। अब यहाँ पे भाई ये जो बंदा था ना, नंबर वन टीममेट को पूरा ही खा जाता है। बाकी अभी नंबर टू टीममेट बचा है भाई, वो भी आगे चल के अभी निपट जाएगा यहाँ पोचिंग की में। बाकी इनके पास रिकॉल था तो ये लोग रिकॉल भी हो जाते हैं। अब भाई यहाँ होता ये है कि सामने की ओर दो टीमें एक दूसरे से लड़ रही थी। ये जो ब्लू वाला घर देख रहे हैं इसके अंदर अभी जाके लड़ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले नेट डालता हूँ। यहाँ पे नेट डालने के बाद जो सीन होगा मेरे साथ वो देखो। अब नेट डालने के बाद मैं पुश कर ही रहा होता हूँ कि भाई देखो अब ये नेट क्या ही नशे कर बैठता है। ये एक्चुअली में नेट की कोई गलती नहीं है, मेरे वाईफाई की कोई गलती नहीं है, ये है गेम की गलती। क्योंकि भाई ये मेरे साथ बहुत बार सीन हो चुका है यार। अब मैं रिस्टार्ट मार के जैसे ही गेम के अंदर एंटर मारता हूँ वापस से, तो भाई मेरा टीममेट नॉक पड़ा रहता है। भाई एक नॉक जोनाथन भाई, वॉच आउट। बहुत बढ़िया बंदा, बहुत बढ़िया मेरी जान। रवीद राजी मेरे पास है, आ रहा हूँ। कितने किले तेरे? एक किलो रखा है मेरा साले ने ग्लेशियर। भाई ग्लेशियर तो मैं क्या बोला था भाई, जोनाथन आ गया रियल में भाई, मार का सब। अबे नहीं है, अगर सकारल डीपी की चमकाता, जे डीपी की वो वाली चमकाता जो आई थी। अब भाई यहाँ पे ये सर्वर प्रॉब्लम नहीं होता ना तो मैं अपने टीममेट को बचा लेता, लेकिन भाई क्या बोलूँ यार, ये गेम का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत दिनों से हो रहा है ये। और यहाँ भाई देखो यार, ये लोग बार बार ये डीपी और स्कारल की बात कर रहे हैं। तो देखो यार मेरे पास डीपी एंड स्कारल दोनों की स्किन नहीं है, बाकी यार मेरे पास सारे गन की स्किन है। और यहाँ पे ना देखो यार, यहीं पे इनको डाउट चले जाता है कि मैं रियल जोनाथन हूँ या फेक जोनाथन हूँ। मेरे तो लग गए, मर गया। मत 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 भाई 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 पीछे साले, मार तो नहीं रहे पीछे, वैसे मुक्के से मार। नीचे आ गए मत, नहीं
वो साले राक्षस मार रहे हैं भाई। तीन नंबर भाई तो कैसे चमका रहे हैं यार भाई, भाई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेना। तीन नंबर मेरी साइड भाई, अगर रियल हो ना भाई, भाई रियल भाई, एक बार माइक खोल ले बस। अब भाई यहाँ पे ये जो दोनों बंदे हैं ना यार, मेरे को माइक खोलने के लिए बार बार बोल रहे थे, परेशान कर रहे थे। मैं माइक नहीं खोलता हूँ फिर भी, लेकिन ये बाद में मेरे को माँ की कसम एंड बहुत सारे चीज़ों की कसम देते हैं, बट फिर भी मैं नहीं खोलता हूँ। लेकिन फिर उसके बाद क्या है ना, देखो अभी खुला हुआ है माइक, आपको दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पे सीन ये है कि मैं माइक तो खोल के रखा हूँ, लेकिन माइक्रोफोन मैंने जीरो कर दिया है, जिससे इनको लग रहा है कि मेरा माइक ग्लिच हो गया है। अगर तुम रियल हो तो भाई पक्का खोलोगे तुम, अगर रियल हो तो पक्का खोलोगे। पक्का माइक खोलोगे अगर भी बोलो। बंदा आया मेरे पास तो नीचे। अगले महीने है मंदिर से मिलना। जोनाथन भाई गए हमारे। ओ भाई ले, तू कहाँ था बे? नीचे नोवा विकास, नोवा विकास ने मारा तेरे। ले भाई पता है 10 किल मार दी भाई, किल पता है कितने हुए? 10। बढ़िया कैमरा Awesome. गाड़ी जा रही, रेड कलर की गाड़ी है। रेड कलर की नहीं, जोनाथन की केडी पता कितने की है? पता है 6 की। भाई डायलॉग तो बोले यार, एक बार वो तो खोल दे, वो हिस्ट्री से मार दे okay. जैसे जैसे बोलते हैं वैसे तो बोल दे। अबे जोनाथन का माइक खोला है, बोल नहीं रहा रामी कहीं का। अरे तीन नंबर भाई प्लीज यार बोल ले भाई, वो जोनाथन भाई, भाई एक बार तो बोल ले यार भाई, वो मत कर यार। तूने सेटिंग से मैं अपना भाई होने का। रुकियो एक मिनट रुक जरा, कहीं तो जे शानदार गेमर तो नहीं साला बोसड़ी का? वो भी साला माइक चें ऐसी माइक बंद करके ना वो करता है, माइक चेंज कर लेगा ना, नाम चेंज कर लेगा, माइक बंद कर लेगा सोच। अरे तीन नंबर भाई वॉइस निकाल ले यार, ये शानदार गेमर ये। ये नंबर तेरी मां की कसम वॉइस नहीं निकाला तो मैं तो गजब टूबी बाज आदमी हूं साले। तीन नंबर कसम है तेरी मम्मी की तुमको भाई। तीन नंबर हमारे साथ भाई लोबी में आना, रुकना जरा। अपने अंदर ही आना हमको। हां रूम मेरा खुला है बे, रूम मेरा खुला है। 1v2 करेंगे भाई, ठीक है चैलेंज है भाई 50,000। रुक जा पाप भाई, 5 यूसी का चैलेंज है, 5 यूसी का, 5 यूसी का। मेरा रूम एक्टिव ही है रे बे, 20 घंटे पड़े 20 घंटे। हेडशॉट बोलते और भाई ये पोचिंगी में केवल लास्ट बंदा था, और इसी के साथ पोचिंगी पूरी क्लियर हो जाती है, पूरी ख़त्म हो जाती है। एंड पोचिंगी क्लियर करते ही गाड़ी लेकर हम लोग निकल पड़ते हैं। निकलते ही भाई यहाँ पे एक बंदा बगी लिए जा रहा था आगे,
अब भाई यहाँ पे जो बगी वाला बंदा था ना, लिटरली बहुत ज़्यादा टेलीपोर्ट हो रहा था। मुझे लगा कि मेरे इंटरनेट की प्रॉब्लम वापस से शुरू हो गई, तो मेरा यार शक बिल्कुल सही था, वो वापस से इंटरनेट वाली प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। अब यहाँ मेरा इंटरनेट तो चल नहीं रहा था और उतने में ही मेरा टीममेट भी नॉक, और टीममेट को मैं जैसे ही रिवाइव देता हूँ इंटरनेट गया वापस से। अब यहाँ देखो यार गेम में ना पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम चल रहा है आजकल, बार बार रिकनेक्टिंग वाला। अब यहाँ पे मैं अपने टीममेट को रिवाइव के ऊपर क्लिक कर ही देता हूँ, और क्लिक करने के बाद क्या होता है कि मेरा इंटरनेट चले जाता है। अब जब मैं ऑनलाइन आता हूँ ना, तो उसी वक्त मेरी पेटी बनी और उसी वक्त ये काम हुआ। भाई मैं क्या बताऊँ यार, ये गेम का बहुत ही गंदा वाला ग्लिच चल रहा है। पता नहीं ये सर्वर रिकनेक्टिंग वाला इशू अगर आपके साथ में हो रहा है तो वो कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे भी तो पता लगे कि यार आपके साथ भी ये हो रहा है या मेरे साथ ही हो रहा है। यार समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ये भाई। वैसे गैस अगर आप लोगों को गेम प्ले अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब का बटन हर एक बंदा दबा के जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट और एक अमेजिंग से गेम प्ले वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए एंड गाइस सुरक्षित रहिए।